हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। MXXL की सीरीज चल रही है, जिस पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि रैंक शीट कैसे बनाते हैं ना। रैंक शीट बनाई और उसके बाद अभी इस शीट के अंदर हम सीखते हैं कि एक फार्मूला होता है कि भाई ऑटो सीरियल नंबर, मतलब कि सीरियल नंबर खुद ब खुद आ जाए, फार्मूला लगा दे जहाँ तक। तो सीखते हैं कि कैसे होता है ये भी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो सीरियल नंबर टाइप करता हूँ, फिर उसके बाद नेम टाइप करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आकर इक्वल टू लगाऊंगा, इफ लगाऊंगा और ब्रैकेट ओपन कर लूँ। इसके सामने नेम वाला जो सेल बॉक्स है उस पर क्लिक करूँगा। सेल बॉक्स पर क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर इनवाइट इक्वल टू लगाना होगा, फिर इनवाइटेड कॉमा, फिर इनवाइटेड कॉमा, फिर इक्वल टू, फिर इनवाइटेड कॉमा, फिर ज़ीरो। फिर यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा रो ब्रैकेट ओपन। फिर यहाँ पर हमें ये जो वन है ना फर्स्ट में ऊपर, इस पर क्लिक करना है, ऐसे सेलेक्ट करना है जैसे वन के बिल्कुल ऊपर। फिर दो बार ब्रैकेट क्लोज कर कर इंटर करोगे तो ये फार्मूला ऐड हो जाएगा। अभी देखें यहाँ पर अगर मैं नेम टाइप करता हूँ अली, तो इंटर करता हूँ नंबर वन आ जाएगा। अगर दोबारा नेम इमरान टाइप करता हूँ, अदनान टाइप करता हूँ, अहमद टाइप करता हूँ या मुबारक टाइप करता हूँ तो यहाँ पर नंबर ही नहीं आ रहा, क्योंकि हम ये फार्मूला है ना, जो इस फार्मूले को हम जहाँ तक कॉपी करेंगे वहाँ तक ये नंबर खुद ब खुद लेकर आ जाएगा। देखें ये आ गया। अगर मैं यहाँ पर नेम कोई भी टाइप करता जाऊँगा तो यहाँ पर ये नंबर खुद ब खुद लेकर आता जाएगा। ये देखिएगा, ये होता है ऑटो सीरियल नंबर। जी, ये तो हो गया ऑटो सीरियल नंबर। एक और इसी के साथ फार्मूलाज होता है दूसरा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा नेम, नेम के अंदर जैसे कि इमरान लिखा, अली लिखा, इमरान अली लिखा, अदनान अली लिखा, ठीक हो गया, मुबारक अली लिखा, ठीक है, रमजान अली लिखा, ठीक हो गया, फिर उसके बाद इरफान अली लिखा, फिर हमने अली लिख दिया। अभी इसके अंदर से हमें ये मालूम करना है कि भाई अली इसके अंदर कितनी बार लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू सी ओ यू एन टी एफ काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें ये नेम सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जितने भी नेम होंगे ये ऐसे, कोमा लगाएंगे, इनवाइटेड कोमा, जो नेम तलाश करना है वो नेम टाइप करेंगे इनवाइटेड कोमा लगाकर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो वो बता देगा। देखो उसने सही बताया, क्योंकि एक बार अली यहाँ पर है, दूसरी बार यहाँ पर है। अच्छा जी, ये तो हो गया सिर्फ अली। अगर किसी नेम के साथ भी अली टाइप है तो अली नेम है तो वो भी बताएं, तो जैसे इमरान अली या अदनान अली है तो ये भी बताना चाहिए। इसके लिए इसी फार्मूले के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। काउंट इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये नेम जहाँ तक है उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे इसे, फिर कोमा लगाएंगे इन्वाइटेड कोमा, फिर शिफ्ट के साथ नंबर 8 प्रेस करके मल्टीप्लाई की निशानी लगा देंगे, फिर यहाँ पर अली टाइप करेंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर इनवाइटेड कोमा लगाएंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये यहाँ पर सबका, जितने भी बार किसी नेम के साथ भी अली टाइप होगा तो उसका भी ये हमें बता देगा कि भाई आपने इतनी बार अली टाइप किया हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको समझ आ गई है। इस क्लास के अंदर भी इंशाल्लाह बहुत ही छोटी छोटी क्लासें बना रहा हूँ, उम्मीद होगी कि समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।